नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस नए और फ्रेश वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत में काफी तेजी से फैलने वाली बीमारी यानी कि दोस्तों दाद, खाज, खुजली, दिनाए और चर्म रोग का रामबाण इलाज। दोस्तों, अगर आप इस रेमेडी का सही इस्तेमाल जान जाते हैं तो आप भयंकर से भयंकर और वर्षों पुराने दाद, खाज, खुजली और दिनाए की समस्या को बहुत ही कम समय में छू मंतर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य बन रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में आई हुई घंटी को अवश्य दबा दें। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं आज के इस बेहतरीन नुस्खे को आपको कैसे तैयार करना होगा। दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो है फ्रेंड्स कपूर। जी हाँ दोस्तों, पूजा में आरती के समय इस्तेमाल किए जाने वाला कपूर आपके दाद, खाज, खुजली और दिनाए के लिए रामबाण नुस्खे की तरह कार्य करेगा। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो कि दोस्तों आपके दाद, खाज, खुजली और दिनाए को काफी तेजी से खत्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें दो कपूर को अपने हाथों से कुछ इस तरह से क्रश कर देना होगा। दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी और फ्रेंड्स थोड़ी सी मात्रा में हल्दी पाउडर की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हल्दी पाउडर में प्रचुर मात्रा में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि दोस्तों आपके दाद, खाज, खुजली पर हुए बैक्टीरिया को मारकर उसे खत्म करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे जो काले धब्बे या फिर लाल निशान पड़ गए हैं उसे दोस्तों बहुत ही तेजी से खत्म करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में हल्दी पाउडर ले लेनी होगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इस रेमेडी में आवश्यकता पड़ेगी वह फ्रेंड्स थोड़ी सी मात्रा में एलोवेरा जेल। दोस्तों, एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से आपके दाद, खाज, खुजली या फिर आपके स्किन पर कोई भी समस्या हो, चाहे पिंपल्स आ गए हों, दाग धब्बे आ गए हों, आपकी त्वचा के हर एक रोगों के लिए एक रामबाण इलाज है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में एलोवेरा जेल ले लेनी होगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इस रेमेडी में आखिरी चीज लेनी होगी वह फ्रेंड्स एक कोलगेट। दोस्तों, इस कोलगेट में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि दोस्तों आपके दाद, खाज, खुजली और दिनाए को काफी तेजी से खत्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में कोलगेट ले लेनी होगी। दोस्तों, लगभग आप इतनी मात्रा में कोलगेट ले लें। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप इन सारी चीजों को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दें। दोस्तों, यह रेमेडी बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हो जाएगी आपकी दाद, खाज, खुजली और दिनाए का नामो निशान मिटाने के लिए। दोस्तों, आपको इस रेमेडी का कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप सबसे पहले अपने दाद, खाज, खुजली और दिनाए वाले जगह को साफ पानी से वाश कर लें। और फ्रेंड्स, उसके बाद आप इसे अपने दाद, खाज, खुजली वाले इलाके पर कुछ इस प्रकार से लगाएं। दोस्तों, इस तरह से हल्का लगाकर और छोड़ देना है, ज्यादा मसाज नहीं करना है क्योंकि दोस्तों ज्यादा मसाज करने से वह घाव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसे कुछ इस प्रकार से लगाकर लगभग 5 से 10 मिनट के लिए वैसा ही छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आप इसे साफ पानी से वॉश कर लें। दोस्तों, आपको ऐसा सप्ताह भर करना होगा। इसके नियमित इस्तेमाल के बाद दोस्तों आप पाएंगे कि आपकी वर्षों पुरानी दाद, खाज, खुजली जो कि काफ़ी समय से खत्म नहीं हो पा रही थी बहुत ही तेज़ी से खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बेहतरीन जानकारी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में आई हुई घंटी को अवश्य दबाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।